तो भाई लोग, क्या हालचाल आपके। जिस मूवी का अपन लोग रिव्यू करने वाले हैं, उस मूवी को तो तुम अपनी फैमिली से दूर ही रखना, साथ इस वीडियो को देखते वक्त भी हेडफोन्स जरूर से पहन लेना, क्योंकि वीडियो के अंदर ऐसे बहुत से शब्द होंगे जिन्हें तुम अपनी फैमिली के साथ सुनोगे तो तुम्हें जूते भी पड़ सकते हैं, इसलिए रिस्क मत लो। दोस्तों, लव स्टोरी 2 नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। पहला पार्ट मैंने इसका देखा, अगर तुमने नहीं देखा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पहले एंड दूसरे पार्ट बहुत अलग है, इनका अपने साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। मूवी के अंदर 4 स्टोरी है जिनका साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, सबकी एंडिंग अलग है। बात करते हैं पहली स्टोरी की। दोस्तों, ये स्टोरी हमें बताती है कि अगर जो हम आंखों से देखते हैं वो भी गलत हो जाता है, कई बार अपने अपने भी धोखे दे देते हैं। अब देखो यार, इसकी स्टोरी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है एंड सिंपल है, सिर्फ सेक्स सीन्स भरे पड़े हैं मूवी के अंदर एंड थर्क भी भरी पड़ी है। तमन्ना को लिटरली ग्लैमरस दिखाया गया, उसके ग्लैमर के लिए इस स्टोरी को बनाया गया है। एंड दोस्तों, इतने अच्छी अच्छी एक्टर, लेकिन एक्टिंग मूवी में बिल्कुल भी नहीं है। एंड दोस्तों, विजुअल्स भी बहुत ही सारे खराब है यार, आसमान को देखकर सब कुछ नकली लग रहा था एंड ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ग्रीन स्क्रीन पर ही शूट हो चुका है। तुम्हें पसंद आएगी, तुम्हें सिर्फ थरक देखना पसंद है तो मैं स्टोरी को दूंगा 5 में से सिर्फ 1 स्टार। तो चलिए बात करते हैं दूसरी स्टोरी की। ये स्टोरी है कूल दादी की। इसका मानना ये है कि शादी से पहले टेस्ट ड्राइव देना जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक गाड़ी तक खरीदते हैं तो हम उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, इसलिए शादी से पहले टेस्ट ड्राइव जरूर लेनी चाहिए। और ये चाहती है कि इसकी पोती की भी शादी हो तो वो पहले टेस्ट ड्राइव ले। अब देखो यार, ये कहां का भी लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि दोस्तों, इंडियंस का मानना ये है कि भाई शादी बहुत ही पवित्र होती है और उसके साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। आज का यूथ भाई से क्या सीखेगा कि शादी का कोई रिश्ता आए तो पहले सेक्स करो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जिसके साथ भी तुम्हें ज्यादा मजा आता है, जिसे तुम संतुष्ट हो उसे फिक्स कर लो, उसके साथ शादी कर लो। तो भाई साहब, ये बहुत ही क्रिंज है। एंड दोस्तों, ये एक फिक्शनल स्टोरी है, तो भाई साहब इसको मूवी की नजर से देखो, रियल में ऐसा कुछ करोगे तो रिश्ता तो टूटेगा, कांट भी टूटेगी। तो इस स्टोरी को मैं दूंगा सिर्फ 2 स्टार। अब बात करते हैं थर्ड स्टोरी की, जो मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आई। ये कहानी है एक मेड की और एक मेम साहब की, जिसमें से एक को तो रोज करने को मिलता है तो दूसरी को नहीं मिलता। जो करती है उसके घर पर सुविधा नहीं है, इसलिए वो ना करने वाले के घर पर आकर करती है। ये क्या बकवास कर रहा है। लेकिन एक दिन कहानी में आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जिसके कारण पूरी कहानी बदल जाती है। और दोस्तों, उस ट्विस्ट को देखने के बाद आपको लिटरली हंसी आने वाली है। जी हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन डाली गई है जिसके कारण आपको मजा आने वाला है। एक्टिंग भी इसके अंदर काफी बढ़िया है, ठरक के साथ साथ ये आपको एंटरटेन भी करती है। तो इस स्टोरी को जरूर देखना, मैं स्टोरी को दूंगा 5 में से 5 स्टार। अब बात करते हैं फोर्थ एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। इस स्टोरी के अंदर काफी बड़े बड़े एक्टर हैं, इसलिए आपको काफी तगड़े माल मसाले के साथ साथ काफी तगड़ी एक्टिंग भी देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके अंदर डार्क कंटेंट एंड डार्क रियलिटी दिखाई गई है और बहुत से ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखने के बाद आपको बुरा भी लगेगा। दोस्तों, इसका क्लाइमैक्स एंड एंडिंग काफी पावरफुल है, जो आप सोचोगे वो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों, जो आपने एंड प्रिडिक्ट करा था वो होने वाला होता है, लेकिन कुछ ऐसा ट्विस्ट आ जाता है जिससे पूरी स्टोरी बदल जाती है। और दोस्तों, इसलिए मैं इसको 4 स्टार दूंगा 5 में से। मैं आपको पहले बता दूं, भाई मूवी के अंदर बहुत सी गालियां हैं एंड बहुत से सेक्स सीन्स हैं, फैमिली को इससे दूर रखना एंड खुद हेडफोन लगाकर रखना। दोस्तों, आपने 4 स्टोरी देखी है तो आपको कौन सी वाली पसंद आई ये हमें जरूर बताइएगा।